दोस्तों कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन फॉर मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम 2022। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी हैं, कितनी विश्व विरासत स्थल हैं और कितने टाइगर रिजर्व हैं और कितने यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो मध्य प्रदेश में सात स्मार्ट सिटी हैं, यानी 7 स्मार्ट सिटी एमपी में हैं। इसके अलावा 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक आपको पता है सांची और एक आपका भीमबेटका और एक खजुराहो। इसके अलावा 6 टाइगर रिजर्व हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर भी हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। और सबसे ज़्यादा लीपर्ड यानी तेंदुए भी हैं। इसके अलावा जैव आरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और एक जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से जो मध्य प्रदेश में भी आता है छत्तीसगढ़ में भी आता है। तो आंसर आपका रहेगा 3। तो फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था, मध्य प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी हैं। तो मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी हैं, 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 6 टाइगर रिजर्व हैं और 3 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, आपका कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है और पेंच टाइगर रिजर्व है। तो ये टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा रामसर साइट्स मध्य प्रदेश में एक है, वो भी है भूज बेटलैंड और आपकी ये भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश में रामसर साइट सिर्फ एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट है भरहौत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, दूसरा है पीताम्बरा पीठ दतिया जिले में है और तीसरा है उड़ीसा राज्य की स्थापना राजा रुद्र प्रताप ने की थी। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, चारों इनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे भरहौत स्तूप है ये आपका सतना जिले में है और आपका भरहौत स्तूप और आपका जो सांची स्तूप, इनसे क्वेश्चन आते हैं कि सांची स्तूप मतलब किसने किससे संबंधित है। पीताम्बरा पीठ आपके दतिया जिले में है, उड़ीसा राज्य की स्थापना राजा रुद्र प्रताप ने की थी, उड़ीसा आपका आता है निवाड़ी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो फर्स्ट है लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया और यह इंदौर से संबंधित हैं। दूसरा है कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित थे और इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला और यह विदिशा जिले के हैं। तीसरा है विवेक सागर प्रसाद भारतीय हॉकी टीम से संबंधित हैं, जिन्होंने 41 साल बाद ओलंपिक जो भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल जीता उस टीम के सदस्य थे। और चौथा है मेरी इंक्यावन कविताएं राजनीति की रफ्टीली राहें, कैदी कबीराय की कुंडलियां, मेरी संसद यात्रा, ये सब हरिशंकर परसाई की रचना है। तो इनमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो एक बार देख लेते हैं, पहला कथन बिल्कुल सही है, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया, इंदौर से संबंधित हैं और इनका निधन हुआ, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला, तो ये नरेंद्र मोदी को मिला, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। दूसरा है कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित थे, बिल्कुल सही है, 1980 के आसपास, और 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला और विदिशा जिले के हैं। इनकी एक पुस्तक भी है, वो भी उससे क्वेश्चन एक आता है। नेक्स्ट है विवेक सागर प्रसाद, ये भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा थे ओलंपिक में, 41 साल बाद इस टीम ने भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीता है। नेक्स्ट है मेरी इंक्यावन कविताएं राजनीति की रफ्टीली राहें, कैदी कबीराय की कुंडलियां, मेरी संसद यात्रा, ये सब हरिशंकर परसाई की रचना है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये सब रचनाएं हैं जो ये आपके भारत के प्रधानमंत्री रह चुके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं और इनका जन्मदिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। आप एमपी सिविल जज के प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे आपको तो पता चलेगा कि डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो लास्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। हरिशंकर परसाई को आप वैसे भी जानते हैं, व्यंग्यकार हैं, जैसे उनकी रानी डांगफनी की कहानी और भूत के पांव पीछे, ये सब हरिशंकर परसाई की रचना है और ये व्यंग्यकार हैं। तो मेरी भी 51 कविताएं राजनीति की रपटीली राहें, कैदी कबीराय की कुंडलियां, मेरी संसद यात्रा, ये सब आपकी किसकी रचना है, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है, जिनका ग्वालियर जिले से संबंधित है। 3 बार ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। तो कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, क्योंकि ये विदेश की थी। इसके अलावा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आए तो सरोजिनी नायडू थी 1925 में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की एवं 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नेहरू जी ने लिखी, तो ये भी सही है। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पहला बिल्कुल सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकाध सेशन से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं एमपी सिविल जज में। तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन आ सकता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और
सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 में सेशन की अध्यक्षता की। इसके अलावा पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? दादा भाई नेहरू जी की है। नेक्स्ट है विच इवेंट टेक प्लेस फर्स्ट, यानी पहले कौन सी घटना घटित हुई है बताना है हिस्ट्री में। तो पहला है लखनऊ पैक्ट, दूसरा है साइमन कमीशन, तीसरा है क्रिप्स मिशन और चौथा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो आइडिया से भी इसको आप आंसर कर सकते हैं। लखनऊ पैक्ट आपका 1916 में, साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन 1942 और दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 जिसमें आपके महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। तो इसमें आपको बताना है पहले कौन सी घटना घटित हुई, तो लखनऊ पैक्ट इसका राइट आंसर रहेगा। लखनऊ पैक्ट आपका हुआ था 1916 में, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था 1916 में, साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन 1942। नेक्स्ट है कौन सा कथन इनमें से सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो फर्स्ट है भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की, ये बिल्कुल सही है। भीमबेटका आपका आता है रायसेन जिले में, सांची भी रायसेन जिले में, भीमबेटका और रायसेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है, महू से इनका संबंध है। तीसरा है मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से सीमा साझा करता है, ये भी बिल्कुल सही है। सिंगरौली जिसे ऊर्जा राजधानी कहते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से सीमा साझा करता है। सो इनमें कौन सा कथन सही है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहला है नर्मदा, जोहिला और सोन नदी अमरकंटक से निकलती हैं, बिल्कुल सही है। अमरकंटक से तीन नदी निकलती हैं, नर्मदा, जोहिला और सोन नदी। और दूसरा है माही नदी कर्क रेखा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा, कांगो या जेरी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। तो माही नदी है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है धार जिले से, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, और लिम्पोपो नदी एकलौती नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है, कांगो जिसे जेरी नदी भी कहा जाता है ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को आपके दो बार काटती है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है चंबल, बेतवा, छिप्रा, सिंध, काली सिंध, धसान नदी उत्तर दिशा की ओर नहीं बहती हैं। चौथा है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित है। तो बताना है इनमें कौन से गलत, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध आपकी चंबल नदी पर है। थर्ड जो स्टेटमेंट है ये आपका फाल्स है, क्योंकि जो चंबल नदी, बेतवा नदी, छिप्रा नदी, सिंध नदी, काली सिंध नदी और धसान नदी ये उत्तर दिशा की ओर यहाँ लिखा है नहीं बहती, जबकि ये उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। चंबल नदी आपकी बेतवा, छपरा, सिंध, काली सिंध, धसान और ये सब आपकी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स हैं, और मध्य प्रदेश की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो उत्तर दिशा की ओर बहती हैं, काफ़ी कम नदी हैं जो दक्षिण और पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो कौन सा कथन इसमें सही है, पहला है जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है आपका 15 नवंबर, टाट्याभील बलिदान दिवस 4 दिसंबर और इनसे क्वेश्चन आ सकता है आपका बिरसा मुंडा से, उलगुलान अगर पूछे उलगुलान से किसका संबंध है तो बिरसा मुंडा और टाट्याभील और आपका 4 दिसंबर बलिदान दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस आपका 7 अगस्त और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं, तो सभी कथन ही सही हैं। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर, टाट्या और इसके अलावा जनजातीय गौरव दिवस आपका हाँ बिरसा मुंडा से संबंधित है और ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है ऐसा क्वेश्चन आएगा। टाट्याभील बलिदान दिवस 4 दिसंबर को, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस पहली बार मनाया गया था 7 अगस्त को और 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पहली बार मनाया गया था इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायती राज दिवस अगर पूछें पहली बार कब मनाया गया था तो 2010 में पंचायती राज दिवस पहली बार मनाया गया था 24 अप्रैल को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है। पहला है ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारत वापस लाने वाले नागरिकों के लिए था। दूसरा है यूरोपियन यूनियन एंड नाटो हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स तो वहाँ यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर है, ये कथन बिल्कुल सही है। यूरोपियन यूनियन नाटो न्यूज़ में है, जो रूस और यूक्रेन का जो मैटर चल रहा है वार उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, तो उसमें यूरोपियन यूनियन या नाटो से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं, नाटो में कितने मेंबर हैं, हेडक्वार्टर इनके हेड कौन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता की 50 वर्ष पूरे किए, बांग्लादेश भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चौथा है नेपाल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडिया UPI प्लेटफॉर्म, पिछली वीडियो बताई थी उसमें ऑप्शन है भूटान था नेपाल था और गलती से उसमें मैंने आंसर शायद भूटान करवा दिया था, तो उसका राइट आंसर नेपाल है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, नेपाल इसका राइट आंसर है और गलती से मैंने उसको भूटान बोल दिया था।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। सभी कथन सही हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से संबंधित है। यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। बांग्लादेश ने पिछले वर्ष 50 वर्ष स्वतंत्रता की पूरी की है। शेख मुजीबुर रहमान का संबंध बांग्लादेश से है और बांग्लादेश भारत का साउथ एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इससे रिलेटेड एक संगठन भी है, सार्क और बिम्सटेक। सार्क ये आपका साउथ एशिया से रिलेटेड है, बिम्सटेक में जो मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के भी कुछ इसमें देश हैं। नेक्स्ट, नेपाल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडिया यूपीआई प्लेटफॉर्म। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट। सो फर्स्ट है मकरंद देवस्कर एंड हरिनारायण चाड़ी मिश्रा है बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट पुलिस कमिश्नर ऑफ भोपाल एंड इंदौर। यानी भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर हैं मकरंद देवस्कर और हरिनारायण चाड़ी मिश्रा हैं इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर। ये बिल्कुल सही है, कमिश्नरेट सिस्टम यहाँ पर लागू हो गया है। नेक्स्ट है इंदौर इज द फिफ्थ टाइम क्लीनेस्ट सिटी एंड इंडिया फर्स्ट वाटर प्लस सिटी। ये भी बिल्कुल सही है, इंदौर पाँचवीं बार स्वच्छता में पहले स्थान पर आया और इंडिया की पहली वाटर प्लस सिटी बना। तीसरा है राला मंडल सेंचुरी द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नौरादेही इज द बिगेस्ट। बिल्कुल सही है, राला मंडल जो वन्यजीव अभयारण्य है सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जो सागर और आपके दमोह और आपके नरसिंहपुर जिले में बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है ऑल आर करेक्ट। सो ये सभी सही है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो फास्टली आ सकें। नेक्स्ट है विच इज इनकरेक्ट। तो बताना है इनकरेक्ट कौन है। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी है, 103 में ईडब्ल्यूएस है, 92 में बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जोड़ा गया और एट प्रेजेंट 105 अमेंडमेंट सो फार। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, जीएसटी आपका 99 नहीं, जीएसटी आपका जोड़ा गया था 101वें संविधान से। और जीएसटी में कितनी टैक्स लैब हैं इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, या जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो EWS 103 और जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें बोडो डोगरी मैथिली संताली को जोड़ा गया। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, सिंधी कब जोड़ी गई। कॉन्स्टिट्यूशन में पूछेंगे, जीके में नहीं पूछेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा आपको कि सिंधी कब जोड़ी गई, या मणिपुरी नेपाली मणिपुरी और कोकड़ी कब जोड़ी गई। इस टाइप से एट प्रेजेंट 105 अमेंडमेंट सो फार। अभी तक भारत के संविधान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट। तो इसमें करेक्ट बताना है, पहला है मध्य प्रदेश का गठन फजल अली आयोग की अनुशंसा पर हुआ था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत क्वाड G20 ब्रिक्स SCU सार्क बिम्सटेक का सदस्य देश है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है भीमबेटका सांची और मंडीदीप रायसेन जिले में। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है छत्तीसगढ़ बनाने के पश्चात मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, फिर यह अलग हो गया, तो छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात मध्य प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट बचे थे। अभी कितने हैं, 52 जिले हैं। निवाड़ी अभी नया जिला बना था और कुछ जिलों को बनाने की मांग चल रही है, तो उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मध्य प्रदेश का गठन फजल अली आयोग की अनुशंसा पर हुआ। भारत क्वाड जिसमें भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका है, G20 में यूरोपियन यूनियन और 19 देश हैं, ब्रिक्स में ब्राजील रूस इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका हैं, SCO में कुछ देश हैं, सार्क बिम्सटेक इन सब का इंडिया मेंबर है। इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, उससे क्वेश्चन आता है। तो विच इज इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट है गेहूं चना मसूर सरसों रबी की फसल है। बिल्कुल सही है, गेहूं चना मसूर सरसों ये सब रबी की फसल है। क्वेश्चन आता है गेहूं उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, या राज्य, या चना में आता है, मसूर में आता है, सरसों में आता है, वो आप देख लीजिए। इसके अलावा सोयाबीन तिली ज्वार बाजरा गन्ना मक्का मूंगफली ये सब कौन सी फसल है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, आप लिखा नहीं गया है, खरीफ की फसल है ये सब। तो देखिए गेहूं चना मसूर सरसों ये सब रबी की फसल है, ये अभी काटी जा रही है, मतलब कट गई हैं अब, मतलब मार्च अप्रैल में ये फसल पककर तैयार होकर आ जाती हैं। इसके अलावा सोयाबीन तिली ज्वार बाजरा गन्ना मक्का मूंगफली ये सब आपकी खरीफ की फसल है। इसके अलावा नेक्स्ट है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से, ये भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजघाट परियोजना सोन नदी पर है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें बताना क्या था, विच इज इनकरेक्ट, तो ये गलत है, सॉरी राजघाट परियोजना आपकी सोन नदी पर नहीं है, आपकी राजघाट परियोजना है आपकी बेतवा नदी पर। राजघाट परियोजना आपकी कहाँ पर है, ये आपकी बेतवा नदी पर है, सोन नदी पर नहीं है। सोन नदी इसका रॉन्ग आंसर है। तो इसमें क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो जो फोर्थ है राजघाट परियोजना आपकी सोन नदी पर नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा कथन इसमें सही है, तो राजद्रोह है जो 124 है, और इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो राजद्रोह है जो 124A है, और बलवा करना धारा 146 है, दंगा करना धारा 159 है, और डिसोबीडेंस टू क्वारंटीन रूल 271 है। उसमें सही बताना है, तो बिल्कुल सही है, राजद्रोह 124 से IPC में है राजद्रोह, और 1870 में जोड़ी गई। इससे केस पूछा जाता है, आपसे पूछ लेंगे, जैसे इससे रिलेटेड एक केस है केदारनाथ सिंहवाला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो राजद्रोह केस आ सकता है, लेकिन आपका GK में नहीं आएगा, या IPC में आएंगे। बलवा कौन सी धारा में 146, दंगा करना 159, बिल्कुल सही है, और डिसोबीडेंस टू क्वारंटीन रूल धारा 271, तो चारों सही है।
नेक्स्ट है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, इसमें ऑप्शन में लॉर्ड मैकाले, सर जेम्स स्टीफन, क्लीमेंट एटली या सर पैथ्रिक लॉरेंस द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सर पैथ्रिक लॉरेंस द्वारा। लॉर्ड मैकाले आपके आईपीसी से रिलेटेड हैं, जेम्स स्टीफन आपके एविडेंस, क्लीमेंट एटली ये आपके प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, तो इसमें राइट आंसर क्या है सर पैथ्रिक लॉरेंस, पैथ्रिक लॉरेंस इसका राइट आंसर है। इसके अलावा इसमें स्टीफर्ड क्रिप्स भी थे और आपके ए वी एलेक्जेंडर भी थे। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था, तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, तो बताना कौन सी पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन में गदर पार्टी है, होम रूल सोसाइटी है, इंडियन एसोसिएशन है या स्वराज पार्टी है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने 1923-24 के आसपास, 1923 में की थी सॉरी। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सो फर्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे, दूसरा है भूदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है, कॉमन बिल जो न्यूज़पेपर था एनी बेसेंट से संबंधित है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट थी। इसके अलावा 1857 के विद्रोह को गालिब उर्दू कवि ने देखा था, तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे, भूदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है, कॉमन बिल एनी बेसेंट और आपके 1857 के विद्रोह में ऐसे गालिब थे उर्दू कवि संबंधित थे। नेक्स्ट है कौन सा कथन इसमें गलत है, तो पहला है धारा 366 सेशन न्यायालय सीआरपीसी की है, धारा 366 सीआरपीसी सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना ये हाईकोर्ट को प्रस्तुत होता है, दूसरा है धारा 416 गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड का मुलतवी किया जाना, तीसरा है धारा 461 में बेअनियमित बताता है, धारा 461 सीआरपीसी बेअनियमितताएँ जो कार्रवाई को दूषित करती हैं, और चौथा है उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है धारा 151 सीआरपीसी में। तो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो जो फोर्थ है ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि आपकी जो हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है सीआरपीसी में 151 में नहीं है, सीआरपीसी में आपके 482 में, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में है आपकी 32 में इनहेरेंट पावर, और आपकी जो सीपीसी में है ये हाई कोर्ट के लिए तो हैं और सबकी सभी के लिए जजेस के लिए हैं, तो वो है आपकी 151 में सीपीसी में, तो इसमें सीआरपीसी पूछा गया है तो सीआरपीसी में 482 है। नेक्स्ट है भारत का इनमें से किसमें प्रथम स्थान है, सॉरी मध्य प्रदेश का इनमें से किसमें प्रथम स्थान है, तो पहला है गन्ना गेहूं दूध आम और जनसंख्या, तो इसमें गन्ना गेहूं दूध आम और जनसंख्या इसमें आपका यूपी का फर्स्ट रैंक है। इसके अलावा दूसरा है सोयाबीन चना सागवान जिसे सागौना कहते हैं, सागौन लिखा आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, टाइगर लीपर्ड और बल्चर्स यानी गिद्ध। तो देखिए जो फर्स्ट में जैसे गन्ना गेहूं दूध आम जनसंख्या इसमें आपका यूपी का फर्स्ट रैंक है, इसके अलावा सोयाबीन में चना में सागौन उत्पादन में तेंदुपत्ते में राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर लीपर्ड बल्चर और वन में इनमें आपका एमपी फर्स्ट रैंक पर है। नेक्स्ट है ऑस्कर बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट मूवी नेम यानी ऑस्कर का जो अवार्ड मिला अभी बेस्ट एक्टर कौन बने, विल स्मिथ बने और बेस्ट जो मूवी है कोडा है CODA कोडा, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को इस वर्ष दिया गया, तो खेल रत्न पुरस्कार से 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं कौन कौन है खिलाड़ी आप देख लीजिए। नेक्स्ट चंद्रयान 2 एंड मंगलयान लॉन्च डेट, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ मंगलयान कब लॉन्च हुआ, तो चंद्रयान 2 था ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ, इसके अलावा आपका मंगलयान है आपको 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च हुआ, चंद्रयान 1 आपका 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ। नेक्स्ट विच इज करेक्ट, तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे कहाँ पर होंगे, बर्मिंघम में होंगे, बर्मिंघम कहाँ पे है आपके यूके यानी इंग्लैंड में है, 2022 के फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका इंडिया में होगा और 2021 का T20 वर्ल्ड कप विनर ऑस्ट्रेलिया बना है, न्यूजीलैंड को उसने हराया है क्वेश्चन आ सकता है, और टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीती है पहली। नेक्स्ट एपिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पहला है इंटरनेशनल योगा डे 2021 की थीम क्या है, तो ये थी योगा फॉर वेलनेस, दूसरा है नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल स्टार्टअप डे पूछा जा सकता है, तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट, चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ बिल्कुल सही है, चरण पादुका 14 जनवरी 1931 छतरपुर बिल्कुल सही हुआ, सही है मतलब सॉरी बिल्कुल सही है, और चोरी चोरा कांड 4 फरवरी को हुआ, चरण पादुका 14 जनवरी को हुआ, और 2022 में गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व था, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सिचुएटेड इन, तो ये कहाँ पर है ग्वालियर में है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में ही आपका जो धारा 3 MPLRC में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, तो वहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके ग्वालियर में ही है।
राजेश मंडल का जो हेडक्वार्टर है ग्वालियर में। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है। यूनिवर्सल डोनर आपका ओ है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट है हेड नेम, यानी इससे क्वेश्चन आ सकता है कि WHO के हेड कौन है, WTO के हेड कौन है, तो इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए। WHO के हेड हैं डॉक्टर टेड्रस एदनोम, WTO की हेड है नगोजी ओकुंजो जो पहली महिला हेड है WTO की, इससे क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्टर जनरल हैं और IMF की हेड हैं इकोनॉमिस्ट क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा, जो IMF की हेड हैं इकोनॉमिस्ट क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है डेविड मलापास। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेड, ओलंपिक से क्वेश्चन एक आध आ सकते हैं। ओलंपिक में इंडिया ने कितने मेडल जीते, फर्स्ट कौन सा देश आया ओलंपिक में, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड हैं, जो उन्हें प्रेसिडेंट बोला जाता है वो है थॉमस बाख, इसे इंग्लिश में थॉमस BACH पढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, लिथियम काफ़ी न्यूज में है, लिथियम आयन बैटरी, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। नेक्स्ट कोयला उत्पादन में प्रथम देश कौन है, तो कोयला उत्पादन काफ़ी न्यूज में है, कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का। अगर आपको पद्म अवार्ड पढ़ना है मध्य प्रदेश से जिन्हें पद्म अवार्ड मिला, चाहे वो रामसाह पांडे हों आपकी, और जो पिछले वर्ष भी मिला था जैसे भूरीबाई, तो क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा सुमित्रा महाजन है, तो पद्म अवार्ड चाहे वो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है। इसके अलावा आपको खेल रत्न पढ़ना है, भारत रत्न आपको पढ़ना है, नोबेल प्राइज आपको पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।